हेलो फॉलोअर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सूजी के मेंदू वड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इसके आवाज़ से ही आप पहचान जा रहे होंगे। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये सूजी के मेंदू वड़े की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब सूजी के मेंदू वड़े बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। सूजी का मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया हुआ है और इसके अंदर मैं ये बारीक वाली सूजी ऐड करूंगी। आप मोटी वाली भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 कप के करीब ये बारीक वाली सूजी यूज़ की हुई है मेंदू वड़ा बनाने के लिए। अब इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करूँगी। 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। 7 से 8 कड़ी पत्ते मैंने लिए थे। कड़ी पत्ते को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। कड़ी पत्ते को आप कट करके ऐड करेंगे ना, तो वड़े में कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और बारीक कटा हुआ हरा फ्रेश धनिया, 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर जीरा ऐड करूंगी और 1/2 चम्मच के करीब मैंने ये साबुत धनिया को कूट लिया हुआ है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर अब हम नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी सामग्रियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो इसके अंदर कटे हुए अदरक ऐड किए हुए हैं, आप अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब ये दही ऐड करूंगी। अगर आपके पास दही खट्टा है तो खट्टा दही भी आप ये वड़ा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं एकदम फ्रेश दही यूज कर रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें उड़द के दाल के जो मेंदू वड़े बनाने होते हैं उसके लिए हमें दाल को पहले भिगोना होता है 5 से 6 घंटे के लिए। फिर जब हमारी दाल फूल जाती है तो उसके बाद उसे हमें पीसना होता है। फिर पीस के हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कि हमारा जो मेंदू वड़ा है वो अच्छे से फूले फूले बने। पर ये सूजी के जो आप मेंदू वड़े बनाएंगे उसके लिए आपको इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना होगा। अब दही भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। पर हमारा जो मेंदू वड़े का बैटर है ये बहुत गाढ़ा है, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब वाटर ऐड करेंगे। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, ये तो हमारे जो मेंदू वड़े का बैटर है वो बहुत ही पतला हो जाएगा। अभी मैंने 2 चम्मच के करीब इसके अंदर वाटर डाला है। अब हाथों से इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। सूजी के मेंदू वड़े बनाने के लिए हमारा ये जो बैटर है एकदम परफेक्ट है। इसे जब हम इस तरीके से रोल कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से रोल हो रहा है, और इसे हाथ में जब हम इस तरीके से रख रहे हैं तो ये फैल भी नहीं रहा है। मतलब हमारा जो मेंदू वड़े का ये मिश्रण है एकदम परफेक्ट है। और आप इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड न करें। जब आपको दही डालने के बाद लगे कि हाँ आपका बैटर जो है मेंदू वड़े का थोड़ा सा ड्राई है, तभी आप इसके अंदर वाटर ऐड करें। अब सबसे लास्ट में हम मेंदू वड़े के मिश्रण के अंदर ये खाने का सोडा ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे मेंदू वड़े जो है एकदम फूले फूले बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको खाने का सोडा कब इसके अंदर ऐड करना है, जब आपको तुरंत ही मेंदू वड़ा बनाना है उसी समय आप इसको इसके अंदर ऐड करके मिक्स करें और तुरंत ही मेंदू वड़ा बनाएं, तभी आपके मेंदू वड़े एकदम अच्छे अच्छे से फूले फूले बनेंगे। तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी, 1/2 टेबल स्पून के करीब है ये, और थोड़ा सा वाटर इसके अंदर मैं इस तरीके से डाल दूंगी कि ये जो खाने का सोडा है वो मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैंने सूजी के भी पकौड़े की रेसिपी अपलोड की है, उसे भी आप ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है वो।
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पकोड़े की भी रेसिपी है मेरे चैनल पे। और मैंने गैस पे तेल रख दिया हुआ है गरम होने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम करके ही मैंने तेल को गरम किया हुआ है। अब खाने का सोडा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तेल हमारा गरम हुआ है कि नहीं उसके लिए हम थोड़ा सा मेंदू वड़े का मिश्रण इसके अंदर ऐड करेंगे और ये ऊपर आएगा तो समझ जाइए कि हमारा तेल जो है गरम है। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम करके ही मेंदू वड़े को फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। मेंदू वड़े का शेप देने के लिए सबसे पहले हम हाथों में पानी लगाएंगे अपने हथेलियों पे कि मेंदू वड़े का जो मिश्रण है वो हमारे हाथों में चिपके नहीं और आसानी से हम मेंदू वड़े को कढ़ाई में डाल सके। और जितना बड़ा आपको मेंदू वड़ा बनाना है उतना बड़ा आप इस तरीके से मिश्रण लें और मिश्रण को इस तरीके से फैला दें। और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को भी हम पानी में थोड़ा सा डिप कर लेंगे और इस तरीके से मिडल में होल कर देंगे, आप देख सकते हैं। अब इसे हम कढ़ाई में बहुत ही सावधानी से डाल देंगे और इस बात का आप ध्यान रखें कि मेंदू वड़े को फ्राई करते समय आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही करके रखें। और बहुत ही सावधानी से इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरीके से बाकी के सारे मेंदू वड़े बना के हम कढ़ाई में डालेंगे। मैं इसमें 3 से 4 मेंदू वड़े एक साथ फ्राई करूंगी। अब मैंने कढ़ाई में 4 मेंदू वड़े फ्राई करने के लिए डाल दिए हुए हैं। जो मैंने पहले के 2 मेंदू वड़े डाले थे वो थोड़े से नीचे से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम पलट देंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई करके इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन तो हो जाएगा पर यह अंदर से कच्चा रहेगा। और इसे हमें लाइट ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अब हमारे ये जो 3 मेंदू वड़े हैं अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। इससे ज्यादा हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि ये मेंदू वड़े कितने फूले फूले बने हुए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे 4 मेंदू वड़े को हमने फ्राई कर लिया हुआ है। इसी तरीके से बाकी सारे मेंदू वड़े को हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस सूजी के मेंदू वड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपर्ट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।